press the bell icon on YouTube app and never miss another update. Anquita. बहुत हो गया भैया, अब कुछ सह लिया मैंने। वो औरत ना मुझे उस घर में रहने ही नहीं देगी। देख अंकिता, एक झटके में सब कुछ खत्म नहीं होता। तू घर वापस जा, तेरी सास से मैं बात करता हूँ। भैया प्लीज, आप उनसे कोई बात नहीं करेंगे। जब से समीर गया ना, तब से अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए उन्होंने। और अगर आप नहीं चाहते ना कि मैं इस घर में रहूं, तो ठीक है, चली जाती हूँ यहाँ से, कहीं और घर ढूंढ लूंगी, लेकिन उस घर में नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तू बैठ तो पहले। भैया मैं नहीं बैठूंगी, आप पहले मुझे बताओ। अंकिता तू कम से कम मुझे कप चाय पिलाएगी, तब तक मैं कुछ सोचता हूँ ना। हाँ वैसे भी तेरे हाथ की बनी हुई चाय पिए एक जमाना हो गया। अंकिता तेरी सास अगर मर जाए तो? भैया ऐसे सच में हो सकता है? जरूर हो सकता है। तू एक कप चाय बना, तब तक मैं कुछ सोचता हूँ। बनाती हूँ। अंकिता अंकिता सोच ले एक बार, इस प्लान को लेकर अगर हम आगे बढ़ते हैं फिर पीछे नहीं हट पाएंगे, क्योंकि अगर पीछे हटे फिर तू भी फंसेगी, मैं भी फंसूंगा। भैया मैंने सोच लिया, मैं पीछे नहीं हटूंगी। ठीक है, थोड़ा बैठो यहां। लेकिन अंकिता सोच ले एक बार, अब पीछे मत हटना। भैया मैं पीछे नहीं हटूंगी, आपको पता है अपनी लाइफ में सिर्फ इस बात के लिए सबसे ज्यादा श्योर हूं। अच्छा ठीक है, अब मैं जैसा बोलता हूं वैसा करना। ये तुमको मैंने 10 दिन की पुड़िया दी है, तुमको रोज एक पुड़िया किसी ना किसी बहाने उन्हें किसी ना किसी चीजें मिलाकर खिलानी है, ना आधी देनी है ना दो देनी है, रोज एक पुड़िया 10 दिन लगातार देनी है। अभी तू घर जा और अपनी सास से अच्छे से पेश आ, वरना वो तेरे हाथ का दिया हुआ कुछ भी नहीं खाएगी और हमारा जो प्लान है फेल हो जाएगा। समझ गई भैया, मैं घर जाती हूँ और जैसा आपने बोला है ना वैसा ही करती हूँ। थैंक्स फॉर दिस।
मम्मी जी, आज गलती से किचन में घुसी थी क्या? नहीं, आपके लिए दूध लेने गई थी। दूध? पी लीजिएगा। कहीं जहर देकर मारने का इरादा नहीं है ना तुम्हारा? जी। सुनो, बैठो बैठो। चीनी डाली थी? मत डालना, इस उम्र में जहर होता है वो। अच्छा, एक बात कहो, तू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है ना? अब मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है, सास का भी मान ही बन पाती है, नहीं तो मुझ पे गुस्सा करके तू घर छोड़ के जा सकती थी। वो ट्रॉली बैग लेके निकली थी ना तू, वो कुछ खाई है सुबह से? बचपन और बुढ़ापे में ज्यादा अंतर नहीं होता है। तू नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? जा, जाके सो जा, जा। ये ट्रे में उठा के रख दूंगी, तू जा सो जा। आपको कुछ नहीं होगा मम्मी। बुढ़ापे में ऐसा होता है, बेटा बड़ा हो गया है, बहू इतनी सुंदर है, बस एक ख्वाब था कि पोता पोती का मुंह देख पाओ, पर नहीं होने से भी चलेगा।
बहु में बेटी जो मिली मुझे। पर बेटी एक बात कहो, अपने पति को ना थोड़ा बांध के रखना सीखो। इतने दिन बाहर रहता है, क्या करता है, क्या खाता है। जिंदगी में मुझसे जो गलती हुआ ना, वो तुझसे ना हो, बस यही चाहती हूँ मैं। हेलो भैया, भैया मुझसे नहीं होगा, क्या मैं वो पुड़िया बंद कर सकती हूँ? अंकिता अब कुछ नहीं हो सकता है। तुम अगर अब मेडिसिन देना बंद भी कर दोगी, फिर भी उनकी मौत तय है। और अगर तुमने उनको पुड़िया देना बंद कर दिया तो तू भी फंसेगी और मैं भी फंसूंगा। इसलिए चुपचाप उनको मेडिसिन दे दी जा, प्लीज। मम्मी, मम्मी, खाने का वक्त हो गया है, मैं खाना ला रही हूँ, आप उठ जाइए। नहीं नहीं, तुम बैठो। बैठूंगी बाद में, पहले आप खाना खा लीजिए। बैठो ना आप। अच्छा बैठती हूँ, बैठो। अच्छा आराम से उठिए, आराम से। हाथ दो तुम्हारा। हाथ? ये तेरे ही बस रखना बेटी, पोता या पोती जो भी आए उनको दे देना। उम्र हो गई है, क्या पता कब रहो या ना रहो। मम्मी कैसी बातें कर रही हैं, और ये सब की अभी जरूरत नहीं, आप प्लीज रखिए। नहीं, अभी सबसे ज्यादा ये जरूरी है। माँ की नजर कभी धोखा नहीं खाती। रखिए तो खाना लाती भैया, भैया, we have to do something ना। वो पुड़िया हमें रोकनी पड़ेंगी। मम्मी, तेरे रिलैक्स करो, बैठो, बैठो। मैं आप जरा बाहर वेट कीजिए, मैं आपको फिर से बुलाता हूँ। भैया, हमारी गलती की सजा मम्मी को नहीं मिलनी चाहिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमको मैंने कहा था ना कि एक बार अगर हम आगे बढ़े तो पीछे नहीं हट सकते। उनको मरना होगा। मरना होगा क्या मतलब है? भैया आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, मरते हुए लोगों की जान बचाते हैं, और आप ये बात बोल रहे हैं? प्लीज भैया ऐसा मत कहिए, प्लीज प्लीज कुछ कीजिए, अब हम उनकी जान बचा लीजिए। अंकिता मैं कुछ नहीं कर सकता, I'm sorry। ठीक है, कुछ नहीं हो सकता ना।
आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो मैं ही जहर खा के अपनी जान दे देती हूँ। अंकिता बैठो बैठो। देखो अंकिता, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं किसी की जान ले नहीं सकता। हमारा फर्ज है लोगों की जान बचाना। एंड फ्रॉम द फ्यूज डे न्यू कि गलती तुम्हारी है। तुम लोग लव मैरिज तो कर लेते हो, पर किसी के घर में जाकर उसके परिवार को अपना बनाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते हो। और वैसे भी इन 10 दिन की दवाई में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं दिया था जो उनकी जान के लिए हानिकारक हो। हाँ, आखिरी की 5 दिन की दवाई में मैंने पेट खराब होने की गोलियां दी थी, जस्ट अ माइल्ड डोसेज। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, जाकर उनको दे देना, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। मम्मी दवाई, बात करे तुम सभी सबको मुझे माफ कर दीजिए मम्मी, बहुत गलती बहुत गलती में बहुत गलती I'm sorry.